आपके साथ एक ऐसी डिश शेयर कर रहे हैं जो खाने में बहुत ही लजीज और बनाने में बहुत ही आसान है, और आप इस डिश को बनाकर डीप फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। आप इस डिश को पार्टी में, घर पर स्नैक्स की तरह और मेन कोर्स में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो चलिए चलते हैं इसके साथ किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं चिकन शामी कबाब, जो बहुत ही लजीज और जूसी बनने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या चीजें जाएंगी। 2 चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें है काला जीरा, 5-6 दाने लौंग है, और जायफल है, थोड़ा सा टुकड़ा जायफल का ले लीजिए, और 4-6 दाने काली मिर्च के, और तीखा आप जिस हिसाब से लेते हैं उस हिसाब से हरी मिर्च ले लीजिए। तो ये तीखी नहीं है तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है, तीखा पसंद करते हैं हम लोग। और इसमें रॉ काट लिया है हमने 2 पीस ऑनियन के, और ये सफ़ेद जीरा, हरी इलायची 2 ले ली है, जायफल ले लिया छोटा सा टुकड़ा, और बड़ी इलायची, और इसमें है दालचीनी के 2-3 टुकड़े, ये 2-2 इंच के, और 2-3 पत्ते ले लीजिए 30 पत्ता के, फिर लाल मिर्च, हल्दी और कुटा हुआ धनिया, और ये 1/2 किलो चिकन का हम बना रहे हैं चिकन शामी कबाब। इसमें 100 ग्राम आप चने की दाल ले लीजिए, जिसको सो करके आप रख दीजिए तो जल्दी गल जाएगी। तो आइए हम डालते हैं सबसे पहले इसमें घी, और इसमें 1 चम्मच घी, क्योंकि इसमें चर्बी तो होती नहीं है, तो चम्मच घी डाल देंगे तो थोड़ा सा अंदर से और लजीज रहेंगे। और मैंने गैस ऑन कर दी है, दाल डाल दी है जिससे कि दाल नीचे रहेगी तो गल जाएगी। इसके बाद हम चिकन डालेंगे। चिकन बोनलेस चिकन लीजिएगा, बोनलेस चिकन है, पर आप बोन वाला भी ले सकते हैं। उबालने के बाद इसकी आप हड्डियाँ हटा दीजिए। और ये 2 चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये वही मसाले हैं जो हम डाल रहे हैं। तो एक एक करके आप डालते जाइए और चलाते भी जाइए। तो घी क्या है, वो चर्बी का जो रहता है ना उसका काम पूरा कर देगा, और ये हल्दी से हमारा कलर आ जाएगा, और तीखा आप जिस हिसाब से लेते हैं उस हिसाब से आप मिर्च डाल लीजिए। बाकी ये खड़े मसाले हैं, तो खड़े मसाले से फ्लेवर्स अच्छे आ जाएंगे, जिससे सब खुशबू में बस जाएंगी। और इसको गलने के लिए हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। आप दाल देख लीजिए, दाल आपने भिगो के रखी है तो कम पानी डालिएगा, और आपने दाल नहीं भिगोई है, तुरंत बनाने जा रहे हैं, कोई गेस्ट आ गया आपके यहाँ, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी रख दीजिए। तो इसमें हमने 1 कप भर के पानी डाल दिया है, क्योंकि चिकन तो बहुत जल्दी हो जाता है पर दाल है वो उसको टाइम लगता है गलने में। तो दाल नई और पुरानी भी होती है, जो पुरानी दाल होती है वो थोड़ा टाइम लेती है गलने में, नई दाल इजली जल्दी गल जाती है। तो आप देख लीजिए उसके बराबर का पानी आ जाए, कम नहीं रखिए, क्योंकि कम रखेंगे तो जल सकता है ये, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा बाद में आप सुखा भी सकते हैं। तो आप उस हिसाब से देख लीजिए, पानी 1 कप ऐड कर लीजिए, और इसको हम कवर कर देते हैं। अब विसिल आने के बाद में, तो फ्रेंड्स प्रेशर आ जाए तो फिर स्लो कर दीजिए, 10 मिनट तक आप रखे रहने दीजिए। इसके बाद चेक कर लीजिए, अगर नहीं दाल गली हो तो आप अगेन फिर प्रेशर लगा लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये गैस बंद किए हुए 1/2 घंटा हो गया है, तो हमारा प्रेशर कुकर ठंडा हो गया है, तो इसको खोल के हम देखते हैं। देखिए हमारा एकदम परफेक्ट पानी पड़ा था इसमें, और दाल भी खुश्क हो गई है और पानी भी इसका खुश्क हो गया है, और हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट निकला है। इसमें जो खड़े मसाले पड़े हैं हमारे, तो वो भी हम अलग कर देते हैं, जैसे तेज पत्ता है ये, तो इसको हम अलग कर देते हैं। इसके बाद में हम इसको मिक्स के जार में डाल के पीस लेते हैं। तो इसको हम जार में डाल लेते हैं, खड़े मसाले हमने हटा दिए हैं, बस इलायची मैंने इसको रखा इसमें, क्योंकि इलायची फायदा करती है, तो इलायची इजली पिस भी जाती है। बाकी तेज पत्ता है, दालचीनी है, इन सब मसालों को हटा दिया मैंने, तो इसका थोड़ा थोड़ा करके ही पीसिएगा। ये हमने बड़ा वाला जार लिया है, इसको हमने 1/2 ही फिल किया है, चाहे तो आप 1/4 ही फिल करें। तो फ्रेंड्स देखिए पिस गया है, और कैसे दानेदार एकदम से वैसे रेशे दिख रहे हैं चिकन के पीस के। तो इस तरह से ज़्यादा महीन मत कीजिएगा, बस हल्का सा चला लीजिए, पिस जाएगा, क्योंकि दाल गली हुई होती है
और चिकन तो चुटकियों में गलने वाला होता है, तो इससे क्या जब पीस आएंगे, रेशे आएंगे मुँह में, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब इनको और जायकेदार बनाने के लिए इसमें डालते हैं पुदीना और हरी धनिया, क्योंकि जब हमने ये बॉयल किया था तो नमक नहीं डाला था मैंने, क्योंकि दाल देर से गलती है तो इसलिए हमने नमक नहीं डाला था। तो इसमें हमने एक चम्मच नमक ले लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च और एक चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच चाट मसाला। तो अब इनको भी डाल लेते हैं, इससे जायका बढ़ जाएगा। चाट मसाला आप चाहें तो डाल सकते हैं, चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, और इसको हम हाथों से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है, ना ज़्यादा गीला है और ना ही ज़्यादा ड्राई है। चने की दाल हमने सिर्फ इसमें 100-125 ग्राम डाली है, इसमें आधा किलो चिकन में, और इस तरह से देखिए आप एकदम से सॉफ्ट, और ज़्यादा दाल डालने से एकदम ड्राई हो जाता है तो रूखा रूखा सा लगने लगता है, तो मज़ा नहीं आता है। और इसमें हमने घी भी डाला, तो ये हमारा डो रेडी हो गया है, हमने अच्छे से मसाले को मिक्स कर दिया है। अब हम इसके टिक्की बना लेते हैं, टिक्की का शेप देते हैं। फ्रेंड्स पहले हाथ में तेल लगा लीजिए, इसके बाद में आप एक इतनी बड़ी लोई जैसी बना लीजिए। और वैसे तो लोग हाथ से भी बना लेते हैं, अगर आप अच्छा शेप देना चाह रहे हैं, कोई पार्टी वार्टी है या कोई आपके यहाँ गेस्ट आ रहा है, कोई फेस्टिवल है, तो आप उसमें इस तरह से शेप बना के रख लीजिए, इससे शेप अच्छा आता है। और ऐसे बना के आप रेडी कर लीजिए, और आप डीप फ्रीजर में भी डाल के रख सकते हैं। तो ठीक है, अब हम बना के मिलते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने ये आधे कबाब बना लिए हैं, जो हम डीप फ्रिज में रख के स्टोर भी कर सकते हैं, और आधे हम फिल करके बना रहे हैं। उसमें ये मसाले डालेंगे, प्याज धनिया और हरी मिर्ची और चाट मसाला, और इनको हम मिक्स कर लेते हैं। तो इसको हम मिक्स करके और इसमें इस तरह से कबाब में फिल करेंगे। अगर आपसे नहीं बन रहे हो तो आप तेल लगा लीजिए, तो चिकना हो जाएगा, तो इजीली इस तरह से आप कचौड़ी भरते हैं उस तरह से आप इसको फिल कर लीजिए और इजीली हो जाएगा, क्योंकि सभी लोग कचौड़ी वगैरह सब बनाते ही हैं। तो आप इस तरह से करके और गोल गोल घुमा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं फटेंगे, कुछ नहीं होंगे। तो ऐसे चिकने कर लीजिए और इसको कबाब का सेप दे दीजिए हाथ से। देखिए कितनी अच्छी टक्की बन गई, और कहीं से चिटक रही हो, कुछ हो रही हो, तो आप इस तरह से कर लीजिए। और आप मनचाहा सेप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसा चाहें वैसा दे दीजिए। और देखिए वैसे ही सेप आया, जैसे इधर टिक्की का है वहाँ से भी इधर आ गया, ये बिगनर के लिए। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरह फिल करके बनाइएगा, हम तो बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे ये, और इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा आता है। और आप बनाइए और ट्राई कीजिए, अगर ट्राई करें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि किस तरह लगे आपको ये कबाब। तो फ्रेंड्स ये रेडी हो गए हैं चिकन कबाब, तो काफ़ी 17-18 पीस बन गए आधा किलो में। तो अभी हम इनको फ्राई करते हैं, कुछ फिलिंग के हैं और कुछ विदाउट फिलिंग है, आप चाहे तो इनको स्टोर भी कर सकते हैं। तो अभी हम फ्राई करते हैं, गैस मैंने ऑन कर दी है और पैन में हम तेल डालते हैं, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, इतना तेल हो कि आराम से सिक जाएं, क्योंकि शामी को आप डीप फ्राई नहीं किए जाते हैं। और पैन को चिकना करिए, जैसे घुमा दीजिए पैन को। और ये दो अंडे लिए हैं, जैसे इसकी कोटिंग करेंगे तो अच्छे से सिक जाएंगे और अच्छा कलर आएगा। तो इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं, इसमें नमक हमें कुछ नहीं डालना है। ये देखिए अच्छे से हो गया ये, अब इसमें डिप करके इसमें डालेंगे। आराम से टिक्की उठाइएगा, तेल गर्म हो गया है, और ऐसे डालते जाइए। जितना एक्स्ट्रा अंडा हो उतना सब हटा दीजिए, बस कोटिंग करनी है, उसके साथ ज़्यादा लेके नहीं आना है, और ऐसे आराम से रखते जाइए। पैन में जितने आ जाए कबाब आपने कर लीजिए एक बार में। ये मेरा फिलिंग वाला है, पैन फुल हो गया है तो इसको तुरंत नहीं पलटेंगे, 30 सेकेंड या 1 मिनट। अब ये हो गया, जहाँ से आपने डालना शुरू किया था तो वहाँ से धीरे से पलटिएगा। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है,
और आराम से उठाइएगा। कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा इसमें, और आपको लगे दूसरा भी स्पून ले लीजिए, चम्मच लगा लीजिए इडली पलटने के लिए, जिससे कि हमारा ये कबाब का शेप टूटे नहीं। बाकी तो सब पका ही हुआ है अंदर का, तो बस इसको सेकना है और कलर अच्छे से आना है। तो फ्रेंड्स, हमने चिकन शामी कबाब फ्राई कर लिए हैं, दो तरह के फ्राई किए हैं। एक मैंने स्टफिंग वाले किए हैं, जिसमें हमने प्याज की स्टफिंग दी थी, और एक विदाउट स्टफिंग है, जो हमने इस तरह के प्लेन फ्राई किए थे। तो देखिए कितने अच्छे और कितने ही सॉफ्ट हैं ये स्टफिंग वाले हैं, बहुत ही जूसी और सॉफ्ट हैं। और ये है हमारे प्लेन शामी कबाब, ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं। अंडे की कोटिंग की थी तो बिल्कुल भी तेल में बहे नहीं है, कुछ नहीं हुए, कोटिंग करने से तेल में बहते नहीं है। हमने सेलो फ्राई किए थे, आप चाहें तो तवा फ्राई भी कर सकते हैं, और इसको आप चटनी के साथ लगा के खाइए और अपने दोस्तों को खिलाइए, और इस तरह का ट्राई करके भी देखिए। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।